लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल के लिए एक ऐसी मुसीबत बनता जा रहा है जो उसे निकलने के लिए तैयार बैठी है। दरअसल हिजबुल्ला के हमलों से उत्तरी इसराइल में तबाही मची हुई है। वहीं इजरायली फौज हिजबुल्ला को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, जिसकी वजह से गाजा में भी IDF लगातार कमजोर होती जा रही है, जिसका सीधा फायदा हमास और हिजबुल्ला को मिल रहा है जो इजरायली फौज की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बेहद ही चौंकाने वाला है, और अगर PM नेतन्याहू ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हिजबुल्ला उनके लिए एक ऐसा नासूर बन जाएगा जिसका इलाज कर पाना इसराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। दरअसल इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिनबेट ने कहा है कि लेबनान की तरफ से पिछले महीने रोजाना 42 रॉकेट और ड्रोन फायर किए गए हैं। अगस्त 2024 में हिजबुल्ला की ओर से इसराइल पर 1307 रॉकेट फायर किए गए, जुलाई 2024 में इसराइल पर 1091 रॉकेट फायर किए गए, जून 2024 में ये आंकड़ा 855 का था, जबकि मई 2024 में 744 और मार्च में 746 और फरवरी 2024 में 534 और जनवरी में हिजबुल्ला ने 334 रॉकेट और ड्रोन फायर किए हैं। वहीं अकेले 25 अगस्त 2024 को हिजबुल्ला ने अपने शीर्ष कमांडर फौज शुक्र की हत्या के प्रतिशोध के पहले चरण के रूप में एक ही ऑपरेशन में इसराइल की ओर लगभग 340 रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे। वहीं इन हमलों के बीच हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में फिर से कोहराम मचाया है। हिजबुल्ला ने रामोट नफ्ताली बैरिक्स पर कई ड्रोन्स और ग्रेड रॉकेट से हमला किया है, और इस हमले के कुछ ही मिनटों बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल साहल बटालियन के कमांड हेडक्वार्टर पर भी एक तगड़ा हमला कर दिया। यह हमला बेथ हिल्लेल बैरिक में हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने यारा बैरिक्स में वेस्टर्न ब्रिगेड 300 के नए हेडक्वार्टर पर कई ड्रोन्स फायर किए हैं, जिसमें इजरायली अधिकारियों और सैनिकों की पोजीशंस को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही अल तायहत हिल इलाके में भी जब इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे तो वहां पर हिजबुल्ला ने रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी, और इसके 15 मिनटों के बाद करीब 4:30 पर अल मलिकिया मिलिट्री साइट पर हिजबुल्ला ने कई राउंड गोला बारूद दागा। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले कफार शोबा हिल्स में IDF की रोइसत अल अलाम साइट पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए हैं, और इसके आधे घंटे बाद यानी 6:30 पर बिरकत रिशा साइट पर IDF के जासूसी उपकरणों को तबाह कर दिया गया। वहीं हनीता साइट पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने जमकर गोला बारूद बरसाया है।